सो वेलकम बैक टू गेमिंग एरा। तो क्या हाल है आप सब लोगों की, उम्मीद करता हूँ सब कुछ बढ़िया ही होगा। तो वीडियो की हम शुरुआत कर लेते हैं बीजीएमएस की ओवरऑल स्टैंडिंग के साथ। तो जैसा कि आपको पता है कि प्लेऑफ्स चल रहे हैं एंड तीन मैचेस कंप्लीट होने के बाद ओवरऑल जो 16 टीम्स की स्टैंडिंग है वो ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे होंगे। एंड मैं आपको बता दूं कि इन 16 टीम्स में से जो प्लेऑफ्स के बाद बॉटम फोर रहेंगी उनका सफर बीजीएमएस में एंड हो जाएगा। बाकी स्टिल काफी सारे लोगों को बीजीएमएस के फॉर्मेट को लेकर के भी कंफ्यूजन है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन आप ऑन स्क्रीन देख सकते हो। चलो खैर लौंडो, तुम लोग को मैं ये बता रहा था कि ये है अपनी ओवरऑल स्टैंडिंग जो अभी तक की घटी है, ठीक है। ये अपनी ओवरऑल स्टैंडिंग है जिसमें तुम्हारी 24 टीम्स खेली। हमारा जो लॉन्च वीक था वो भी समाप्त हुआ, सुपर वीकेंड वन जो था वो भी समाप्त हुआ, सुपर वीकेंड जो टू था वो भी समाप्त हुआ। ये सारों की जो फाइनल स्टैंडिंग थी वो मिलके ये वाली जो पॉइंट स्टैंडिंग है ये बनी है। इसमें से जो फॉर्मेट था वो यही था कि जो टॉप फोर टीम्स होंगी वो डायरेक्ट क्वालिफाई हो जाएंगी फाइनल्स के लिए। नीचे वाली जो टॉप फोर टीम्स हैं वो जाएंगी अपने घर, वहां से लैंड देखेंगी। तो हाँ, जो टॉप फोर थी वो सीधा फाइनल के लिए जाएंगी, जो कि होने वाला है 25, 26, 27 को। डेट भी बता देता हूँ, लोगों को डेट ही नहीं पता है। बाकी ये जो 16 टीम्स हैं 5 से लेके 24, इनको एक और मौका मिलेगा प्लेऑफ्स खेलने का। अब इन 6 मैचेस में इन 16 टीम्स में से जो भी तुम्हारी टॉप 12 टीम होंगी वो ज्वाइन करेंगे इन 4 टीम्स को और वो आपको फाइनल खेलते हुए दिखाई देंगे। बाकी इसी बीजीएमएस के प्लेऑफ में हमें यार 8bit की तरफ से एक डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस देखने को मिली। एंड आप ये मान सकते हो कि 8bit ऑलमोस्ट फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, बिकॉज उन्होंने पहले दिन ही यार मतलब इतना डोमिनेंट परफॉर्मेंस दिखाया। एंड मे बी इसका एक रीजन ये हो सकता है कि थक भाई हमें बीजीएमएस के वेन्यू पर देखने को मिले। बाकी बीजीएमएस के बारे में यहाँ पे आगे बात करें तो यहाँ पर फिक्सेस बात करते हैं वापस से सोल वॉकआउट वाले मैटर के बारे में। एंड फिक्सेस यहाँ पर ये बताते हैं कि यार ये तो नहीं पता कि एग्जैक्टली में क्या पेनल्टी मिली, लेकिन डेफिनेटली सोल को यहाँ पर पेनल्टी मिली होगी उनके एक्ट के लिए। एंड इसके बाद हमें यहाँ पर एक कंपैरिजन भी देखने को मिलता है थग पीएमआईटी वाले मैटर और अभी वाले मैटर के बीच। एंड जिनको नहीं पता कि क्या हुआ था पीएमआईटी के टाइम पे, तो आप थग पीएमआईटी सिर्फ इतना ही सर्च करोगे आपको यूट्यूब पर हजारों वीडियोस मिल जाएंगी। जो पीएमआईटी वाला हिसाब किताब हुआ था, थग वाज इन द सेम पोजीशन एज आई वाज टिल यस्टरडे। आई वाज नॉट, द ओनली थिंग वाज आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू द ऑडियंस and Thug was explaining to the players whose careers were actually on the line. Official events pe, if you like walk out or do something, there is always repercussions, guys. There will always be repercussions. ye first party event nahi hai, this is second party event. aur ek hota hai third party event. to ye first party event hota hai, if any team walks out, kuch na kuch penalties, repercussions hote hain, samajh rahe ho? aur jo team Seoul ne kiya, I think unko bhi kuch penalty lagi hogi. mujhe nahi pata kitna kya laga hai, बट आई एम प्रिटी श्योर उन्हें भी एक पेनल्टी लगी होगी। वो आपको मे बी सेट कैन क्लारीफाई, बट आई डोंट नो। बट फर्स्ट पार्टी में अगर होता है जो थग भाई ने कहा था उस दिन, 110% ट्रू कहा था यार। Also fixes के बारे में आगे बात करें तो इसी मैटर से रिलेट करते हुए वो यहाँ पर सिड भाई की एक्चुअल पावर के बारे में बात करते हैं कि एक्चुअली में सिड भाई कितने ज्यादा पावरफुल है। They said the admin were ignoring the issue for so long, so they walked out to get addressed. भाई साहब, आई डोंट नो अबाउट द प्लेयर्स, बट आई नो सिड भाई, हीज गॉट गुड कनेक्ट्स विद नॉर्डविन, ही कैन इवन डायरेक्टली रीच आउट टू द ओनर, हीज गॉट दैट मच पावर। ठीक है, सिड भाई के पास उतना पावर है, ही हैज बीन इन द इंडस्ट्री, ही इज इवन ओल्डर देन हाउ लॉन्ग आई हैव, मेरे को क्या 4-5 साल हुए होंगे, वो भाई इस इंडस्ट्री में एटलीस्ट 7-8 साल से ऊपर है ही सिड भाई, है ना। एज अ प्लेयर पहले थे, लीग खेलते थे, फिर एज अ मतलब मैनेजर एंटिटी ग्लोबली स्पोर्ट्स, ही वॉज देयर विथ ऑल, और उनकी डायरेक्ट बातचीत है और उन्होंने की भी होगी और इतना रिजल्ट आया है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट जब आप उठ के चले जाते हो ना, देन दैट्स अ स्टेटमेंट फॉर विच देर आर सर्टन यू नो पेनल्टीज गिवेन, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। 9+ years, 10+ years, ऑब्वियस ही बात है ब्रो। मतलब यू कुड से ही वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मतलब पीपल हु हैड मेड इट, पायनियर्स ऑफ द इंडियन गेमिंग सीन, जस्ट एज ओल्ड एज अक्षत राठी एंड द अदर्स। सो ही इज ऑलरेडी वेल कनेक्टेड, एंड नॉट जस्ट बिकॉज कि नाउ ही इज SA12 सिड और समथिंग, नो, वो बहुत पहले से यार, मैं जब जब सिड भाई तुम्हारे
एंटिटी में थे, जब TSM एंटिटी हुआ तब से उनके अच्छी बातचीत है, नॉर्डविन वालों के साथ सबके साथ अच्छी बातचीत है, तो इफ ही वांट्स ही कैन मेक थिंग्स हैपन। ऑल्सो वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं गॉड लाइक के बारे में। सो गॉड लाइक की न्यू स्ट्रेटेजी के बारे में यहाँ पर मेजी बात करते हैं। भाई शैडो बांच उसका क्या फाउल्ट था, शिवाय भाई देखो किसी का कोई फाउल्ट नहीं होता, बस आप डिफरेंट डिफरेंट चीजें ट्राई करते हैं, तो जब आप डिफरेंट डिफरेंट चीजें ट्राई करते हैं तो चार ही खेल सकते हैं, पांच नहीं खेल सकते, तो चार खेल सकते हैं, इसलिए अभी के लिए उसको बेंच किया है, बाकी जो चार हैं वो खेल रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, नई नई चीजों पे वर्क किया जा रहा है। एंड एक रूमर हमें देखने को मिल रही है कि अल्फा 7 के जो कोच हैं वो हमें गॉड लाइक ज्वाइन करते हुए नजर आ सकते हैं एज अ न्यू कोच, जिसके रिगार्डिंग कल मैंने आपको जो भी हिंट्स मिले थे वो बताए थे। इस चीज के बाद यहाँ पर हमें गॉड लाइक अमर लाइव देखने को मिलते हैं, जहाँ पर वो बोलते हैं कि यार ऐसा कोई भी सिनेरियो नहीं है एंड अल्फा 7 के कोच गॉड लाइक नहीं ज्वाइन करने वाले, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एस पावर के टाइम पर भी यार गॉड एल अमर ने डिनाई किया था कि एस पावर गॉड लाइक में नहीं आ रहे, एंड अगले दिन हमें यहाँ पर गॉड लाइक एस पावर की अनाउंसमेंट देखने को मिली थी। अल्फा 7 कोच जॉइनिंग गॉड लाइक, आई डोंट नो ब्रो, आई ऑनेस्टली डोंट नो। गॉडलाइक को हाँ कोच आप ले सकते हो बिकॉज देव हिट अ प्लेट्यू कोच, वो लेना सही रहेगा, वो थोड़ी सी चीज़ों को और बेटर कर सकते हैं। अल्फा 7 का अगर कोच आ रहा है देन अल्फा 7 आप जानते हो वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट टीम्स है, तो उनके अगर कोच साहब आ रहे हैं तो कुछ बढ़िया सा सिखाएंगे। बट खैर बात करें कि क्या सच में अल्फा 7 के कोच गॉड लाइक ज्वाइन करने वाले हैं, तो हमें एक चैट लीक होते हुए नजर आ रही है जो ऑन स्क्रीन आप देख पा रहोगे, एंड ये देख करके तो यार यही लग रहा है कि अल्फा 7 के कोच शायद से ज्वाइन करते हुए नजर आ जाए गॉड लाइक को, बट कुछ जनों का ये भी कहना है कि ये चैट रियल नहीं है एंड ये चैट क्रिएट करी गई है। वेल ओवरऑल अगर बात करें तो यार वक्त को ही डिसाइड करने देते हैं एंड लेट्स सी अल्फा 7 के कोच हमें ज्वाइन करते हुए नजर आते हैं या फिर नहीं आते हैं। बाकी गॉड लाइक से रिलेट करें जोनाथन को, एंड यहाँ पर जोनाथन और अल्ट्रॉन दोनों के बारे में आईफ्लिक बात करते हैं, जब यार उनको बोला जाता है कि ये दोनों अंडररेटेड प्लेयर हैं तो आईफ्लिक का रिस्पांस आप देख सकते हो। डू यू थिंक अल्ट्रॉन इज द अंडररेटेड प्लेयर? मैं अंडररेटेड तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा, अल्ट्रॉन को सब जानता है, तो ऐसा अंडररेटेड मैं बोलूंगा तो मे बी जस्टिन का नाम ले सकता हूं, यू नो इधर स्पाई है, आफू है, सीएस में आफू और स्पाई है, दोनों अच्छा खेलता है, उनका नाम कालन, गुड आईजीएल, अंडररेटेड आईजीएल, सो जिनका नाम जानता नहीं है लोगों को उनको अंडररेटेड बोलते हैं, और जो अच्छा करते हैं और जिनका नाम जानता नहीं है उनको। अल्टोन तो ऑलरेडी फेमस है, अच्छा खासा बढ़िया यार, सब लोग जानते हैं उसको, वो कैसा खेलता है, अच्छा खेलता, सब जानते हैं। अंडररेटेड जोनाथन यूनिवर्सल एमवीपी, अंडररेटेड जोनाथन नहीं है, जोनाथन को ऑलरेडी सब लोग जानते हैं, मेरे सारे प्लेयर्स सोच मैं एक सोल फैन हूँ क्योंकि मेरे को यू नो मेरे को कंट्रोवर्सी आ जाता है गॉड लाइक से, तो सोल फैन बनना है तो ऑफकोर्स सोल फैन हूँ मैं, मेरे को सोल से प्यार ही होता है और प्यार ही मिलता है मेरे को। बट कंपेयर टू दैट मेरे सारे CES की जो सारे प्लेयर्स है ना वो सारे गॉड लाइक के फैंस है और गॉड लाइक का जोनाथन का फैंस है, सो आई अल्ट्रॉन इज अ गुड प्लेयर ब्रो, अल्ट्रॉन इज अ गुड प्लेयर, फॉर्म में अभी तक फुल फॉर्म में आया नहीं है, जॉकर इज ऑल्सो ए ग्रेट प्लेयर, वो फॉर्म में अभी आ भी चुका है और फॉर्म कर भी रहा है बढ़िया। एंड आईफ्लिक के बारे में आगे बात करें तो यहाँ पर टीम मायावी के बारे में बात करते हैं कि टीम मायावी की जो ग्रीन सिग्नल मिला है तो क्या उससे पहले वो हैक कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, बाकी सारी चीजों के बारे में। हम क्राफ्टन से बढ़कर है क्या मुझे बता, अभी क्राफ्टन हैव गिवन ए क्लीन शीट फॉर दिस गाइस, क्राफ्टन खुद बोल रहे कि भाई ये लोग क्लीन है और ये लोग खेल रहे और ये लोग का अलव किया है, दिस इज व्हाट विशिंद्रा भाई हैव टोल्ड एवरीवन दैट कि उन लोगों को क्लीन शीट मिल चुका है क्राफ्टन से, तो क्राफ्टन से बढ़कर हम क्या ही कर सकते, हम कितना ही मरवा सकते हो। मैं तो चाहता हूँ भाई कि एक बार 100% प्रूफ आ जाए कि भाई, तो मैं खुद माया के गान वाने निकल पड़ेंगे यार, साले तू चूतिया बना रहा था मेरे को भी हैंड कैम दिखा के, माया भी धोखले निकल तू, मैं खुद उसका गान वाने निकल चाहूंगा, कोई बात कोई इशू नहीं है ब्रो, कोई इशू नहीं है, बट तुम ऐसा तो ये मत करो कि मतलब कोई टैलेंट अगर गलती से निकल गया, अगर वो लेजिट बंदा है और सही में बहुत अच्छा कर रहे हो, तो मैं नहीं चाहता कि कोई किसी का वीडियो आने होने की वजह से कोई एक अच्छा प्लेयर का करियर जो है बंद हो जाए, अगर वो लेजिट है तो। बाकी हैकर्स के बारे में हम बात करें तो स्नेल ओपी यहाँ पर यार काफी ज्यादा गुस्से में नजर आते हैं हैकर्स को लेकर के बीच में सिनेरियो के अंदर, एंड यहाँ पर वो एक स्टेटमेंट पास करते हैं, ऑफिशियल्स ने क्लीन चिट दे दी है आई गेट इट, लेकिन कम्युनिटी के सब लोग देख रहे हैं, वो सब मिलके क्यों नहीं स्टैंड लेते, न्यूट्रल स्टैंड रखने के नाम पे जहां हैक दिख रहा होता है वहां सच बोल देते हैं और जहां नहीं लगता है वहां खुल के सपोर्ट करते हैं,
जहाँ हैक देखेगा वहाँ नो कमेंट हो जाता है, और जहाँ जहाँ उनको डिफेंड कर सकते हैं वहाँ मुझे उल्टा सीधा बोलने के लिए एक कसर नहीं छोड़ते हैं। एंड आगे वो कोई नाम नहीं लेते हैं, बट ये बोलते हैं कि सच के साथ खड़े रहने में इतना डर क्यों लगता है। लॉल्स गेमिंग और अल्ट्रॉन भाई ने साफ साफ हैक बोला, वैसे ही बाकी लोग भी बोलने लग जाए तो कितनी आगे बढ़ेगी कम्युनिटी। एंड आगे बोलते हैं कि जो भी लोग बोल रहे हैं कि क्राफ्टन देख लेगा वो उल्टा हैक्स को इनकरेज कर रहे हैं, क्योंकि क्राफ्टन ने ना तो सैगी को पकड़ा था और ना ही उसे अभी तक बैन दिया है। तो ये कह के कि इनको सपोर्ट करने से अच्छा है कोई कमेंट ना ही करो ना। तो ये बोलते हैं कि यार कम्युनिटी क्लीन करने से इतनी फटती क्यों है, ब्लैक को ब्लैक और व्हाइट को व्हाइट बोलने का दम रखो ना। एंड इस चीज पर यहाँ पर हमें कर्मा क्वीन की तरफ से भी कुछ स्टोरीज देखने को मिल जाती है कि IGCP गवर्नमेंट जैसी हो गई है, लोग चाट रहे ऊपर जाने की उम्मीद में, गंद नीचे से लेकर के ऊपर तक है। पहले उनको लगता था कि सिर्फ गर्ल्स गेमिंग कम्युनिटी में पॉलिटिक्स और मोनोपोली है, लेकिन ऐसा नहीं है, पूरे IGC में। और आजकल के हर छोटे बड़े प्लेयर्स को लगता है हैक करो और बचते रहो कूल लगोगे। एंड आगे वो बोलती हैं कि जहां नहीं बोलना वहां पे सब अनवांटेड ओपिनियंस रखेंगे, जहां जरूरी है वहां एक वर्ड नहीं बोलेंगे। एंड आगे वो बोलती हैं कि सबसे बड़ी बात, बड़े बड़े क्रिएटर्स एंड प्लेयर्स जिनके लिए ईस्पोर्ट सब कुछ है वो भी हैक्स को लेकर के ओपनली बोलने में डरते हैं। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड दिस। फिर आगे वो ये बोलती है कि डर किससे रहे हो भाई, ये कह के कि हमारे पास फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है, दिस इज इलॉजिकल। कुत्ता जहां बैठता है वो जगह भी साफ करके बैठता है, उनसे भी गए गुजरे हो क्या? सही के लिए बोलने और स्टैंड लेने का दम रखो, वरना काय के ई-स्पोर्ट्स प्लेयर, काय के क्रिएटर्स। एंड वेल, हैकर्स के बारे में आगे बात करें तो स्काउट भी यहां पर एक सैड रियलिटी के बारे में बात करते हैं जो IGC के अंदर हमें देखने को मिल रही है, एंड इट इज रिगार्डिंग हैकर्स। तीन मायावी हैकर भाई, देखो मुझे वो सब नहीं पता, जितना वो क्लिप दिखे हैं मैं उस समय मैं कुछ भी अपना स्टेटमेंट दे नहीं सकता जब तक मैं खुद वो क्लिप्स को बैठ के ना देखूं। और मैं बस इतना टाइम नहीं कि बैठ के मैं भी कम्युनिटी में देखूं, कम्युनिटी ऑलरेडी फीचर बन चुकी है। यहाँ पे 10 टीयर 1 प्लेयर होंगे जो हैक करके अभी टीयर 1 में खेल रहे होंगे, हमें पता भी नहीं होगा। और क्या है तुम देखो ना भाई, अगर शैगी को पकड़ाया नहीं जाता तो क्या होता, सब बोलते भाई टीयर 1 प्लेयर है, तो वही समझो शैगी अपने हगा से पकड़ा है। अब तुम सोचो सैगी ऐसे कितने लोग होंगे जो टीयर 1 में पहुंचने के लिए कितना हैक किए होंगे, वो किसको पता है। बहुत बहुत एक जेन्युइन चीज़ बोलता हूँ भाई। अब ये मतलब अंडरडॉग का स्लॉट खा लिया, अंडरडॉग का स्लॉट वो लोग खा रहे हैं जो हैक कर रहे हैं। अगर शैगी हगा नहीं होता तो कोई पकड़ ही नहीं पाता जो हैक कर रहे हैं। देखो अभी मैं तुमको बहुत एक जेन्युइन मतलब बात करते, ठीक है, एक प्रैक्टिकली बात करते। अब तुम सोचो कि अगर शैगी, अपन शैगी को है भाई क्या मार रहा है, इमर्जिंग प्लेयर है, गान फाड़ रहा है, ठीक है। अब वो बंदा स्ट्रीमिंग के चक्कर में हगा, ठीक है। अब इमेजिन करो वो कभी स्ट्रीम करता ही नहीं, तो कौन पकड़ पाता कि शैगी हैकर है? एक जेन्युइन चीज बताओ। Well, आपको इस सारे ओपिनियंस देखने के बाद आपको क्या कहना है, क्या लगता है? डू लेट मी नो योर ओपिनियंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो रिगार्डिंग हैकर्स एंड IGC। बाकी वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं BGS के बारे में। सो क्राफ्टन की तरफ से हमें अनाउंसमेंट देखने को मिली है कि जल्दी वो 2040 टीम्स की लिस्ट अनाउंस कर देंगे, जिसके कमेंट सेक्शन में हमें यार एक चीज काफी ज्यादा स्पैम होते हुए दिखी कि यार उनका गेम हैकर्स ने बिगाड़ दिया। वहीं कुछ जनों के तो यार कमेंट्स ऐसे भी थे कि उनका एवरेज 50 फिनिशेस का है, मतलब यार ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। तो मैंने भी यार तड़ी तड़ी में कमेंट कर दिया कि 10 चिकन डिनर विद 96 का एवरेज। खैर बाय द वे, जो भी लोग BGS के ओपन क्वालिफायर्स में पार्ट लिए थे, आई होप यार आप क्वालिफाई हो जाओ एंड आपकी मेहनत रंग लाए। बाकी लेट्स सी वो लिस्ट में किस किस के नाम रहते हैं, किस किस के नहीं रहते हैं। सो बस इस पर्टिकुलर वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना। बाकी भी मैं भी चलता हूं, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। साइनिंग ऑफ।